अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है कि पाकिस्तान में गुर्बत तो है ही, और गुर्बत के इतने ज्यादा रीजंस होते हैं, और हम लोग कहते हैं इसकी वजह से गुर्बत है, उसकी वजह से गुर्बत है, इसकी शक्ल पे गुर्बत है। लेकिन आप पता है गुर्बत की एक सबसे बड़ी और भी वजह है, वो ये है कि हम लोग एज ए नेशन ना बड़े डिपेंडेंट लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि जी माँ बाप के बाद जो जायदाद में आएगा ना लह बस उसके हम लोग बंटवारे करेंगे, हमें क्या जरूरत है अपना कुछ बनाने की। तो एम्बिशन जो होती है ना हमारी, वो हम लोग पहले से ही खत्म कर देते हैं। हालांकि जो पिछली वसीयत आपको मिलती है, अगर उसके बंटवारे होते हैं बहन भाई आपके हैं, तो उनकी भी वैल्यू कम होती है। हम लोगों को यह रियलाइज करना चाहिए कि हम लोगों को पिछलों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आएगी तो हमारे वारे न्यारे होंगे। बट जी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी प्राइम लोकेशन पे होती है कि तकसीम होने के बावजूद वो वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ। लेकिन महरीन हर किसी के मुकद्दर में ऐसी प्राइम नहीं होती। ऐसे तो चार भरा बेचारे गरीब आदमी ढाई मरले के मकान च रह रहे होंगे। मुझे तो आपका ये जाती मसला लग रहा है यार। औरतों चो सलीम अल बेला कादे वास्ते लिया जनाब। भाई आज की जो हमारी शख्सियत है उनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि पिछले 3-4 महीने से वो घर नहीं गई, इतनी बिजी हैं, काम करती हैं, एक्ट्रेस हैं, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, कभी कभार डायरेक्शन भी कर लेती हैं, डांस भी बड़ा आला करती हैं, हैं भी बहुत डाडी, 22 कदम ऐसे लेती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में हरीम फारूक। लाहौर आई हैं, वैसे ही लाहौर के साथ आपका एक रोमांस चलता रहता है। मुझे बताएं 3-4 महीने से आप घर क्यों नहीं गई? नहीं नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। 5 महीने? 7-8 महीने हो गए। क्या हुआ, घर वाले निकाल दिए? ये भी हो गया। ये होने हो गए। 7-8 महीने बंदा ये भी नहीं कह सकता इतनी देर तो घर पेंट हो रहा है, तुम घर नहीं जा रहे। अगर हम आपका मुंह पेंट कर दे तो क्या ही बात है। मेरा अगर मुंह पेंट हो जाए ना तो मैं बिल्कुल आपको महरीन लगूं। क्या बात, हम महरीन की कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है एवरीबॉडी नोज कि आपकी नई फिल्म एक बन रही है जिसका नाम आपने रखा है मैंगो जट। और मैंगो जट जो है वो आजकल लाहौर में शूट हो रही है, पंजाबी फिल्म है। आप हालांकि पंजाबन है नहीं लेकिन आप पंजाबी सीख भी रही हैं, तो मैंगो जट ही क्यों? मैं तुहानू एक गल दसां बट साहब। जी जी दसो, सानू एक गल दसो। मैं पंजाबन हां। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਉਹ ਸਭ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਲ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਟਾਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਓ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਮੂਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਕੀ ਬੜੀ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡਡ ਕਾਸਟ ਆਪਨੇ ਬਣਾ ਦੀ। ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇ ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ, आप हीरोइन होंगी ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मुटियारन। आए हाय। और कौन-कौन है इस फिल्म में? इट्स एन एनसेंबल कास्ट, बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें। हनी अल बेला साहब हैं, कैसर पिया हैं, अली मोटा हैं, आपके अजहर रंगीला साहब हैं, नए बच्चे हैं इसमें, इफ्तिखार ठाकुर भी है ना? हां नए बच्चे। आप बड़ा सीनियर चूहेर का मुंह होना था। हसन मुराद साहब हैं। अरे वाह वाह। वो भी एक बहुत सारे लोग जिनको मुझे लगता है कि दिस मुझे क्या लगता है हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे आइकॉन्स हैं, आपके मुल्क का हमारा नाम रोशन किया हर जगह, तो मैंने कहा आप जरा मूवी में भी आ जाओ। तो आपने सारे थिएटर को उठा के आपने कहा कि मैं फिल्म में ले आती हूँ, ठीक है ना? तो फिल्म का नाम तो शर्तिया मिठे होना चाहिए।
मैंगो जेट क्यूट लग रहा है। अच्छा भाई कास्ट किसने, मतलब स्टोरी किसने लिखी? और सो अबू इलेहा, ही इज द डायरेक्टर। उनकी अभी आई थी टक्साली गेट भी अभी उनके। अबू इलेहा, अच्छा पंजाबी सीख सीख के ना अबू इलेहा नु अबू इलेहा कह रहे हैं। अबू इलेहा, अबू इलेहा, नहीं अबू इलेहा भाई। क्या इतनी पक्की नहीं आएगी? मैं कह रहा क्या मेरी उर्दू भी पक्की आएगी? थोड़े से मार्जिन दो, खूबसूरत। हाय हाय बड़े नाराज रहते हैं कि जी मैंने फिल्म नहीं करनी, पंजाबी फिल्म स्पेशली। उनको कैसे कन्विंस किया आपने कि भाई फिल्म करो? ज्यादा बात ना बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया। अच्छा, he believes in this script like anything. अबू इलेहा कहती हूँ उनको, अली भाई जो है वो, और क्या कहते हैं फैसल, they were doing it together. अच्छा, ये लोग कह रहे थे मूवी, और मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी और मेरे पास आई तो मैंने कहा कि अच्छा चले हम फिर प्रोड्यूस भी करते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर का आप में है, कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा है, जो कि अक्सर होता है। हीरोइंस कहती है हाँ भाई हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग करेंगे, मगर आप प्रोड्यूस भी करती हैं। So why इतना ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में, इतना अपने आप को जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत है? क्या 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 करना है ना करके? मतलब बंदा आराम ना सेट पे बैठे, बेबी के लिए जूस लाएं, जूस पिए, कट करके घर जाएं। आपने तो सारा का सारा ठेका ही ले लिया पूरा। ठेका ले ली थी मैं पूरा, क्योंकि देखें अगर कोई चीज, मुझे लगता है मैं सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बैठ के सिर्फ ये नहीं कह सकती कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर मेरे में सलाहियत है, हिम्मत है, मेहनत करने की जस्तजू है, तो फिर मुझे करना चाहिए। व्हेन व्हाई नॉट? अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी फीस तो लेंगी, प्रॉफिट आएगा वो भी सारा इन्हीं का है। सेट पे वो मजा लेता, बेबी के लिए जूस लाए मेरे खाते चो, बेबी का ड्रेस पता कीजिए मेरे ही खाते चो। ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਖਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਐ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂਗੋ ਜੈਟ, ਤੋ ਮੈਂਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਲਮ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਗੋ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਮੇ ਦੇਖੇਂ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। अच्छा जी, जहाँ मैंगो जेट की बात हो रही है, आपका एक बड़ा ड्रामा हिट हुआ 22 कदम, 22 कदम में आपने हॉट बॉय वाज, यू नो, आप बड़े अच्छे अच्छे गुड लुकिंग बंदों के साथ आपने काम किया हुआ है, ठीक है ना? तो 22 कदम ये क्रिकेट के ऊपर एक फिल्म आई, फिर नायाब आई, ये दोनों फीमेल क्रिकेट के ऊपर आई, ये आमने सामने हुई थी कि स्टोरियां चोरी तो नहीं हुई थी कहीं? उसमें भी वो बॉलर थी, यहाँ भी आप बॉलर हैं? नहीं, नायाब बहुत बाद में आया था, बहुत बाद में आया था, बल्कि जब शूट पैकअप हुआ था तो फिर नायाब की अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पे, उस वक्त शूट भी शुरू नहीं हुआ था। तो आई वॉज वेरी ग्लैड, क्योंकि देखिए 22 कदम का एक मकसद ये था कि जो स्पोर्ट्स की कमी है, खास तौर पे ख्वातीन में स्पोर्ट्स की अवेयरनेस नहीं है, स्पोर्ट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल, ये देखें महरीन हमेशा स्पोर्ट्स गर्ल है, रोजाना लम्बे पै के तो कैंडी क्रश खेल रही होंगी। अबे फिजिकल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो नहीं उसे आती क्योंकि इसकी एक टांग नकली है। नई फिल्म की और पुरानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं एक नया फेज आया है फिल्म इंडस्ट्री का, जो कि बड़ा ही इंडी फिल्म्स हैं, जिसमें 5-6 अभी फिल्में गई हैं बैक टू बैक, अबू अले के अभी 2-3 आई हैं उसमें फिल्में। तो ये जो कमर्शियल फिल्में हैं और ये जो पैरेलल फिल्में हैं, ये आपको लग रहा है पैरेलल फिल्में can be the answer to save Pakistani film industry? The only answer is diversification of content. Acha. Aap jitni movies banenge utni industry badhegi. Point is ki aap movie banaye aur lagaye. Lagne dein. Ye bhi to aap movie, kyunki dekhiye hamari drama industry bhi isi tarah bani hai. Ye nahi ki sab ek hi kisam ke drama aa rahe the. बहुत वैरायटी है माशाल्लाह हमारे कंटेंट में, इट्स डाइवर्सिफाइड, लोग देखते हैं, हर किस्म का आपको मिल जाता है कंटेंट। अच्छा, यहाँ ये भी होता है कि हर प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है वो कहता है मैंने आना सिर्फ ईद पे ही है, ईद पे फिर एकदम 10 फिल्में लग जाती हैं और फिर पूरा साल कोई फिल्म नहीं होती। तो मैंगो जट ईद पे तो नहीं आ रही? मैं सोच के बताऊं। तरसो नहीं दसना, फिल्में आनी चाहिए बट जी। हिंट तो होनी चाहिए। हेलो, मेरा ख्याल वडीद ते आएगी।
ईद एक ऐसा ओकेजन है जिस पे लोग निकलते हैं, जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हर कोई कहता है कि हमारी ईद पे आए, ईद पे आए। एंड अगर मैं इंडी मूवीज़ की भी बात करूँ तो देखें, सक्सेस तो इसी में ना कि कितने हफ्ते निकाल गई एक मूवी। बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी इंडी मूवीज़ हैं जैसे टक्साली गेट इज़ वन ऑफ देम, तो दैट इज़ ग्रेट न्यूज़। देखें, हमारा मुल्क ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि जिस तरह के हमारे हालात हैं, कोई छोटी सी भी अच्छी चीज़ होती है तो उसको इंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है जी, इतनी अच्छा, सैयद नूर साहब ने फिल्म बनाई थी ना मेहंदी वाले हाथ, मैं अब उसका सीक्वल बना रहा हूँ, पागल खब्बे हाथ। भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हरीन की हाँ हो गई है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। खवातीन हज़रात, हरीम फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जहां हम लोग मैंगो जट की बात कर रहे हैं, तो मैंगो जट की कास्टिंग के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मसला हुआ था। आपने बड़े लोगों को ऑडिशन किया था कि कोई अच्छे से अच्छा मैंगो जट होना चाहिए कास्टिंग के। तेरी हवा निकल रही है, अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, तुसी शुरू करो। असीदा नहीं हुंदा बट्टा। अच्छा, टीपिटा कच्चा पकू का टा पट्टा कचुक टूकटा कच्चा टा पट्टा कचुक टीपिटा कच्चा पकू का टा पट्टा मैं पछाण लिया मौत दे खूह दा पहलवान जे। जेड़ा नचदा नचदा नहीं कहंदा रेशम बार फटे ते आ जावे। गावी अंदर नच रही है। हां तू भी बुला ते सुर्खी ला, 2300 दा कारीगर ते तू ही है। अपनी लत ते अपने हाथ वड के मेनू दे दे बटा। जे जट कोलो पीछा छुड़ाना चाहने सूरत बन दी हूँ। बट साहब दे दे लत खोल के 5 मिनट मालिश करके वापस दे देगा। सच अ नट केस। चुप कर जा दारो। ओ महरीन है बाबा, दारो केड़ी। माय नेम इज नॉट दारो। ओ चुप कर जा, तू भी ट्रांसजेंडर। भाईजान आपका नाम क्या है? मैंगो जट है की? मेरा नाम मैंगो जट है। किड्डा तेरा ढेड है ना, तेरा नाम हदवाना जट होना चाहिए। आ लख लानत तेरी वकालत दा। वो तो इतनी मुछा देखो लगता खोते दे मुंह च बोकर आई। ओए बदबख्ता, ओए मरवी, ओ फिड़म तेरा, ओ तेरा दोवरी, ओ तन्नू लवे त्रिखे कोड़े वाला, ओ तन्नू भी लवे मौला दी जात, तेरा दो हटे मुंह। जी बदमाश बदमूश कोई नहीं है, भी मांगत जे जैसे जहर नहीं डाल देते वैसा लग रहा है। दारो! अनु कह दो चुप कर जा बेटा। मेरे की वेर है क्यों? भाईजान मैं ये देख रहा हूं कि आप हरीम हमारे शो पे आई हुई हैं, उनकी फिल्म भी मैंगो जट है, आपने आते साथ ही अपना मैंगो खोल दिया है, हालांकि आप मैंगो कम और केला ज्यादा लग रहे हैं। बट्टा नु जुगत दी माफी है। अच्छा मुटियारे आहो ताए नहीं आहो नहीं मैं चिकली जाए। आ मुटियारे ओए ओ साडी हीरोइन है मामा, तू भांजी समझ ली, मां चल के जाए होने। तेरे का कहंदा हुंदा आजू मामू पहुंचा जो मामा। तू चंगी नहीं कीती मैंगो जट नाल। आ चंगी नहीं कीती, तू एदी जुत्ती पा के बाहर निकल गई सी। ओ पैरों नंगा बेचारा कुत्ते वांगू मल्ले च फिरदा। जी जी तुसी गल करो। जे तुसी इजाजत दवो जी जी इस गंडार से नाले दी तस्वीर ला लवां। ओ बहुत अच्छे, तौण तो बगैर केड़ी फोटो होएगी मामा। ओ असली मैंगो जट छट के फैसल कुरैशी मम्मी डैडी मैंगो जट कास्ट कर ले, की फायदा? मेरा ते ओदा फर्क किन्ना सी दस, असली जट लग रहे हैं के नहीं? कोई एडा फर्क भी नहीं सी, जिन्नी पेमेंट फैसल कुरैशी ने लई है उन्नी ते एक टाइम चाहे रोटी खा जांदा है। ओ तेरा घर किथे? वजह तू मेरा रिश्ता कराउणा? दारो साइलेंट ते लग गई है। आई एम नॉट योर दारो। ओ देनो यू गए। ओ साडी असल दा बोल दी नहीं मुठियारे। मैं कह देखे आप बहुत अच्छे मैंगो जट हैं, आप बड़े जबरदस्त। उसको पंजाबी समझ आती है। तुसी बहुत चंगे मैंगो जट लग रहे हैं। लेकिन असली मैंगो जट एक ही है गए, वो फैसल कुरैशी है। आए हाय।
ਫੈਸਲ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਰਲ ਬਸ ਆ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਓਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਧੌਣ ਟੁੱਟੀ ਯੂ? ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਓ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਗੱਲ ਆਸੇ ਚ ਨਾ ਪਾ, ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਮਾਮਾ। ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਕਿੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਿਸਨੇ ਕਾਟੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਨ ਕੋ ਛੇੜ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਓਏ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਟਾਈ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਸੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ। भाई जान देखिए, मैंगो जट के अंदर सबसे पहले फाइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आप फाइट कर सकते हैं? यस। करके दिखाएं। तुर्रा तुर्रा ओ ऐ ते कुछ और ही करके दिखाया है आपने। वो भी आती है मुझे। नहीं नहीं वो रहने दे। ओए दुगिन 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 गुगा फायर। वैसे इस तो अगे फाइटिंग की करा बट साहब। अच्छा डांस आता है आपको? मैंगो जट को डांस भी आता है? चलो जी लाओ ठेका। बट जी ये मैंगो जेट नहीं, मरासी जेट लग रहा है मुझे। वेरी गुड यार मैंगो, कितना अच्छा डांस है। ते कुछ भी नहीं, क्या अपनी अम्मी नु लिया है। ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾ ਨੱਚਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਨੀ ਜੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਭੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯੇ ਵਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਹਮਨੇ ਬੜੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕੇ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਇਸਕੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ, ਆਪਨੇ ਉਨਸੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮ ਆਪਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਰੀ ਨਈ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਮੈਂਗੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੋਗਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਨੇ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਡਾਇਲੋਗਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ। ठीक। हाँ जी रेडी जी, माइंड द पंजाबी। चलें जी, पहला आ गया। मैं आ गई अब बख्तू, हमेशा ले हुन मेनू मार दे या तार दे। ओए होए 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 होए, ये डायलॉग है जी। मैं आ गई अब बख्तू, हमेशा ले हुन मेनू मार दे या तार दे, या तार दे। मैं आ गई हूँ बख्तू, बख्तू तो बख्तू कैरेक्टर का नाम हो गया। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, अब मुझे या मार दे, तार देगा थोड़ा सा कंफ्यूज। तार दे या मार, तार दे या तार दे, आप आर आर तार की हूं, तार बताया लगा या तार दे, या तार दे। नो नो, आई एम गेसिंग कुड मीन इग्नोर कर दे। दारो चुप। नहीं तार, अरे क्यों बोल दी, कह दे दारो चुप। दुश्मनी ये सुल्तान राय साहब का छोटा बेटा लग रहा है मैनू, मुल्तान राय। तार दे या मैनू तार दे, तार दे।
उतार भाई आप अगर जुमले की देखे ना या मार दे या तार दे, मैं वो मार का ऑपोजिट क्या होगा, मतलब मैं असल में डायलॉग समझ गई, मुझे उसका ना तार का एग्जैक्ट लफ्जी वो नहीं समझ आ रहा है। पहले तार पालो बच्चो मार पालो तार दे दा एग्जैक्ट मतलब दे ते गुरबत आई हुंदी ते दस दी ना पता लगदा बिल तार दे फिर पता लगदा तार की हुंदी है, या मैनू मार दे या मैनू तार दे जैसे कि भी मुझे अब अमर कर दे मुझे बेहतर कर दे तार दे, उसको भी कहते हैं ना जो पानी में तैरना अच्छा। होता है पंजाबी में उसे कहते हैं मैनू तार दे। अच्छा अच्छा मुंह थक गया होना है ब्रेस्ट कर ले। तो ये तो पॉइंट इनका नहीं हुआ। हुमायूं सईद की तस्वीर है, बट जी सलाम कर लें जरा। हां जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आगे नेक्स्ट डायलॉग मुटियारे जी। तू जट दा सिर्फ ना ही सुनया है आदा खड़ाक नहीं वेख्या। ओए इत्थे खड़ाक कर भी ना दई खुदा दा वास्ते ताडा 150 बंदा इत्थे बुरा हाल कर देना। ये तो जेडे महल च खड़ाक करे महलेदार उतो मकान छड़ जांदे ने, बल्कि इन्हां दा बुआ खड़का के कह के जांदे ने खाला जी जे बच्चे ने खड़ाक ही करने ते इत्थे किसे ने नहीं जे रहना। अच्छा भाई बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है ठीक है जी, कि तू जट दा सिर्फ ना सुनिए ठीक है जी, ओंदा खड़ाक नहीं वेख्या, मतलब तू जट का सिर्फ नाम सुना है लेकिन खड़ाक उसका गुस्सा होगा या वो होगा लगदा कराची क्या होगा क्या होगा या टशन होगा उसका, हाँ कि जो वो होता है एटीट्यूड होता है खड़ाक मतलब उसका एटीट्यूड खड़ाक मतलब इस लफ्जी वाइज यार बड़े मैं जानना चाह रहा हूं इतना देखो तुसी मैं पहुंच गई हूं होता है लफ्जी मैंने यही बनते हैं इसके हरीम जी के तो उसका खड़ाक नहीं देखा यानी उसकी फाइट नहीं देखी बट सर एक पॉइंट मेरा बनता है वैसे ये मैं पहुंच गई हूं। भाई देखिए सिंपल सी बात है, खड़ाक का मतलब होता है कि जब आप किसी को फाइट कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना भांडे खड़क गए ठीक है ना, खड़ाक होता है कि जब मैं किसी के साथ फाइट करूंगा तो वहां इतना नॉइज होगी इतना खड़ाक होगा कि धरती हिल जाएगी। टशन ही होया ना फिर, टशन एक अलग चीज है, टशन स्टाइल में आता है। हम आपको नंबर दे रहे हैं। खड़ाक का मतलब होता है जी फाइट, तो मतलब फाइट ही नहीं देखी होगी ठीक है जी। अगला गिरफ्तार कर लो इस बट नू ए दी खल दे वट मैं ताने जाके कटांगा। हाँ गिरफ्तार कर लो इस बट को इसकी खाल के बल होते हैं ना वो जो वट पड़े होते हैं खाल के बट मैं ताने जाके कटूंगा निकालूंगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट और शोधा और लाइक हीरोइक पॉम्पस हां मतलब एटीट्यूड मतलब दूसरा लफ्ज आ रहा है ऐसे मैं बोले या नहीं। तो खल के वट का क्या मतलब हुआ, तो मतलब उसकी अकड़ हो ए वाह खुद पे मान जाओ तो जी। अगला डायलॉग मैंगो जैट, अगला डायलॉग अच्छा जात नत होवे ते नक दे सट दा निशान ए नता ने कदी ख्वाब भी नहीं सी वेख्या। नत तो जात है ना, नत नूरी नत जात हो गई ठीक है, तो जात का अगर नत हो तो नक ते केड़ा निशान सट दा निशान लेके आ जाए सट ओ मेनू सट पेगी सट के चोट का चोट का निशान लेके आ जाए ऐते नत्ता ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें दीज नट्स हैव नेवर इवन ड्रंक These nuts have never even dreamt about it. My God. Wow. Ladies and gentlemen, इसके हम पूरे मार्क्स देते because these nuts were right. मैं वैसे पढ़न दिया तेनू की मौत पैण अगला
next one, go ahead. तू जाके जट दे पिंड बह जावे ते जे जट ना मोया ते नत मैं आप ही मार देवांगी। वाह वाह वाह, मार तू मैनू भी देना जे बाँह चकदा है ना। जी तू जाके जट दे पिंड बह जा ते चलो ये तो हो गया। ते जट इंग्लिश में करते हैं, तू जाके पहली लाइन को अंग्रेजी में। चाय पाट साहब, यू गो सिट इन द गांव, सिट इन द विलेज। यू गो सिट इन द विलेज। अच्छा नहीं, तू जाके जट दे पिंड बह जा दे ते जट ना मोया। जट ना मोया मतलब जट ना मोया ते जट ना मोया मोया मोए आप मार दे ते जट ना मोया मोए 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 हो गए जट ना मोया मोया का क्या बना आप मार देंगी ते जट ना बह जावे ते जट ना मोया मोया मरना मरना मोया मोया हाँ मोया मोया खत्म 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 हो गया आपने ठीक कह दिया मरना इसलिए बता दिया आपको दैट ते नत मैं आप मार देंगी मतलब अगर तुमने जाके तुम जट के पिंड बैठ गए और जट ना मरा ते नत में आप मार दे माया माया मैं चाइनीज में इसका ट्रांसलेट कर सकती हूं चलिए ये मैं आपको बता दूं इसका मतलब है कि भाई नहीं पट साहब आई हैव गॉट दिस पट साहब चलो तो सीधा से हां देखिए ये था कि बेसिकली कि भाई तू जा और जट के पिंड में जाके बैठ जा और अगर तेरी दहशत से ये अगर जट ना मरा ठीक है तो मैं उस नत को ही मार दूंगी कि जिसकी इतनी दहशत ही नहीं कि जट मार गया ये है इसका मतलब स्कोर आपका हुआ ठीक है ना पट साहब का बंद कि भाई नतों का तो नाम ही बड़ा है हाय हाय कि वो तो जहां जाते हैं तो अगला वैसे ही कहां हो जाता है जी ये बात ये मतलब है ए रोल तानू करना चाहिए था सी अच्छा क्योंकि मगर ए रोल के एग रोल जी अगला अच्छा वाह भाई ओ मैं टब्बर खा जा डकार ना मारा ओहो आई कैन हैव अ होल फैमिली एंड आई वुडंट इवन बर्प ओ या वेरी नाइस जी भाई जी हरीम ने 3 पॉइंट्स हासिल किए इनके लिए तालियां हमारी अगली गेम है जिसका नाम है माइंड द सॉन्ग आपको गाना बूझना है ये गाना कौन सा है बड़े मजेदार पंजाबी गाने हैं अगर आपने बूझ लिए तो क्या ही बात है ठीक है जी तस्वीरों से आएगा मगर अच्छा चलो जी दिखाएं है कौन एक मिनट पहली तस्वीर है कह रही है खतरा अगले में है कोई प्यारी हरीम लग रही है, कौन? कुड़ी है लग रही है आप ही हैं ठीक है और वो है रेल रेलगाड़ी ठीक है ना पंजाबी गाने मुझे तो पता लग गया कौन सा गाना है ओ नहीं नहीं यार बड़ा मशहूर पंजाबी गाना है ठहरे साडी रेल गड्डी केरी वो केड़ा गाना है हां रेल गड्डी आई की देखो मैं पहुंच गई कौन सा कौन सा चले 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 ये उसको ठीक तो आ गया ना परा हो यार परा हो जा सो परा हो जा सोने वो साडी रेल चार औरतां ने धोखा दिता है मुंडा पागल हो गया अच्छा एक मिनट वो तो एक है लड़की है डांस करी है ठीक है नचदी वो बंदे का क्या हुआ है रोंदा पे है हाँ रोंदा पे है लग रहा है बेचारे का हाल बुरा हुआ है वो कौन है मॉडल लग रही है मॉडल मतलब कोई चाल अच्छी लग रही है तो क्या हो गया एक मिनट चाल हो गया तो कुड़ी रोंदी चाल नहीं कुड़ी क्या करी है डांस कर रही है ना कुड़ी नचदी कुड़ी नचदी कमाल और मजे की बात है ये गाना हरीम पे ही पिक्चराइज हुआ है जी आगे अल्लाह सुनो कि मैं हूँ तुम प्यार सुन वे बलोरी अच्छा ये है नहीं ये तो है ना मैं ये तो मैं हो गया मैं हो गया ठीक है जी और ये हो गया तेरा तू मैं तेरा वो क्या है ओ
मैं तेरा दीवाना, मेरा ख्याल है दीवाना होगा वो। नहीं तो पंजाबी है। नहीं नहीं ये उर्दू गाना है। उर्दू का गाना है? यस उर्दू गाना है। सुन मैं तेरा तू मेरी क्या? ये कहा? क्या है? देखिए गाना मैंने गैस कर लिया बट साहब, किसी के कहने में, किसी के कहने में ना ना मैं हूँ तेरा दी। बहुत बेसुरी। गाने का नाम क्या है यार? बट साहब देखिए आपको पता मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पे। लड़कियों को प्यार से, लड़कियों को प्यार से क्या कहते हैं? किसी के कहने में ना ना मैं तो हूँ तेरा दीवाना। बेबी तो बेबी की फोटो ही बना देता यार। इस पे तो फोटो च दीवाना पे होना चाहिए। हाँ इसके अंदर ये पॉइंट हरीम को जाता है। अच्छा जी अगला। ओए वाह दुनिया प्यार गल्ला है। अच्छा ये है पंजाबी गाना, पंजाबी है पंजाबी गाना। अच्छा फिर हैगा दुनिया विच रख फकीरा ऐसा बैंड खलोण ओ खलोते बड़ा मशहूर गाना मशहूर। हां दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार मिले ओंदा स्वाद गल बात दा। क्या बात है। लास्ट गाना है, देखते हैं ऑडियंस जीती है या आप जीते हैं। अल्लाह खैर करे। लास्ट जी दिखाइए। ओए हैं कूड़े विच की? अच्छा वो तो डस्टबिन है। डस्टबिन पंजाबी? पंजाबी है विच। ये इसका मतलब हो गया तू। हाँ वो नहीं उर्दू, उर्दू गाना है। उर्दू है, उर्दू गाना है। अच्छा और वो जो है वो लाइफलाइन है, तो लाइफलाइन को उर्दू में क्या कहते हैं? मैं समझ गया हूँ, वो कह रहा मैंने ईसीजी करवाई थी तुमने डस्टबिन में फेंक दी। तो बिन वो बिन हो गई। बिन तेरे क्या है? बिन तेरे ओ मेरी बहन जीत गई है। जा ना बिन तेरे क्या है जी। ये वाह। होय 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 आदि रात। गाने का नाम बिन तेरे क्या है जीना है, लेकिन इसके बाद हम ये गाना कभी नहीं सुनेंगे जिस तरह हरीफ है, क्योंकि लग रहा था कि उस बिन तेरे के बाद बिन तेरे क्या है। अब हमें पता लगा है कि ये प्रोड्यूसर और एक्टर क्यों है। और हरीफ जीत गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बिन तेरे बैक। खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं माइंड ना करना, जहां एक रोंदूबाज सेलिब्रिटी हरीम आई हुई है और वो हर पॉइंट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये गेम जो है ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इसका नाम है माइंड द गैप। तीन वर्ड्स शो से पहले उन्होंने लिखे और तीन वर्ड्स मैंने लिखे। अब मेरे तीन वर्ड्स इन्होंने बूझने हैं या आपके तीन वर्ड्स मैं बूझूंगा। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले गया वो जीत गया। ऑडियंस हेल्प कर सकती है ओनली व्हेन अगर उनसे पूछा जाए। आर यू रेडी? पहला मेरा वर्ड है ये। छोटा सा वर्ड है। अच्छा जी ये वर्ड जो है ये कुछ लोगों की बहुत बहुत जरूरत होती है। चाय? अच्छा नाली चाय आते साथ ही कुछ लोगों की बड़ी जरूरत होती है। लोगों की? कुछ लोगों की। कुछ लोगों की? किस किस्म के लोग होते हैं? हमारी ऑडियंस में भी बहुत से लोग हैं जिनकी ये जरूरत है। चाय। और दूसरी बात ये है ये एक फिजिकल चीज है। फिजिकल चीज है। फिजिकल। औरतों की ज्यादा जरूरत है या मर्दों की? ये दोनों की। दोनों की? दोनों की। मेरा ख्याल है फिर शवारमा। मगर आपकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। मेरी नहीं? जरूरत नहीं है, मैं रोजे रख रहा हूँ ना। चार चार लफ्ज और जरूरत की चीज मर्दों और औरत दोनों की। फिजिकल चीज। फिजिकल चीज है। पे लॉक करें। अरे यार खाने वाली चीज है। जी नहीं। जी नहीं। कुछ लगाने वाली चीज है? ये हाँ आप लगा सकते हैं। लगाने वाली चीज है। बड़ी अच्छी चीज है, लगा भी सकते हैं। बालों में लगाते हैं? हाँ कभी कभार लोग लगा लेते हैं बालों में। ये बालों में भी लगा लेते? बालों में भी लगा लेते। मुंह पे लगाते हैं? मुंह पे भी लगाते हैं। मुंह पे भी लगाते हैं? जी जी मुंह पे लगाते हैं। तेल होगा? हैं? हाँ तेल होगा। इनके मुंह को देख के लग रहा है कि तेल होगा। ऐनक। चार लफ्ज होते हैं ऐनक में।
नून, हाँ यार वो नून आते हैं इसमें दोस्त, गुड यार, शाबाश कर लेते हैं। नहीं आता, ऐनक नहीं है यार, तू मुझे मिल बात। वैसे करीब करीब है, करीब। अच्छा इसमें ये आता है ना, ये लॉक करें। ओए दो पॉइंट रह गए आपके। हरीम जी मीम क्या है? मीम, मीम आता है, मीम लॉक करें। नहीं वो तो कर लिया ना पहले। नहीं मीम, मीम आता है। ऐनक, चश्मा, चश्मा, चश्मा जी दिखाइए, चश्मा। हरीम आपका पॉइंट। अच्छा ये जो चीज है, हाँ ये फाइव लेटर्स, फाइव लेटर्स, अच्छा हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है ये चीज। अच्छा ये खाने वाली चीज तो नहीं? कोई नहीं। क्या ये कोई फिजिकल चीज है या कोई इमोशन? फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल चीज है, मतलब आप इसको पकड़ सकते हैं। ओके ये कुछ सियासतदानी है फिर। मानते हैं लोग के कईयों की जरूरत है। क्या इसमें ये आता है? ये लॉक करें। आपने नहीं बताना, लॉक करें। अरे है, ये आता है। या ये चीज खरीदी जा सकती है? हाँ बहुत लोग खरीदते भी हैं, इसको पैसे भी देते हैं इसके। मगर इसकी कीमत क्या है? 1000 रुपए, 10000 रुपए? अनमोल है ये। होए 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 होए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पैसे दे के भी करते हैं इसको, और कुछ लोग वैसे ही, मतलब मुफ्त में भी मिल जाती है। हाँ मिल जाती। क्या इसमें अलिफ आता है? नून गुना आता है? नून गुना, नून गुना, देखिए देखिए। क्या इसमें जे आता है? जे बताए, जी मैं वही, क्योंकि एंड वाला वर्ड जो होता है ना, ये जी बड़े चलाको, तो बड़े चलाको। अच्छा अगर असली और खालिस हो तो ये वाकई बहुत काम भी करता है। क्या इसमें ते आता है? ते, तावीज। ये किसने गेस किया था यहाँ? तावीज बनाओगे मैं तुझे अच्छा जी। ओ मेरा अगला बर्ड, कोई गंदा लफ्ज तो नहीं आ गया? एडा कवर आ गए हो। आ हा 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 हा, इसको देख के बस आप यही कहते हैं आहा। ये वर्ड जो है ये आपके साथ बड़ा अफिलिएट है। और देखते साथ ही आप कहते हो वाओ। फिजिकल है, इमोशन है? जी जी फिजिकल। खाने की चीज है? जी खाने की चीज है। ओह अच्छा, खाने की भी चीज है, खाने की भी चीज है, मजेदार होती है। मीठी है या नमकीन, ये बताएं। हाँ मीठी या नमकीन, दोनों डिपेंड करता है। ये फिर चावल ही है, दोनों भी हो सकते हैं। चे पूछ, चे आता है इसमें? चे, चे है, चे नहीं है जी, नहीं है। आर ऑडियंस वोट ले लेते, बे आता है इसमें? बे आता है इसमें। बीवी, सीधा बीवी, बीवी खाने की चीज, बीवी खाने वाली चीज। बर्गर ही रे, रे आता है इसमें? रे देखते हैं। बर्गर है, बर्गर। भाई एक मिनट, बर्गर में, बर्गर में स्वीट कैरमलाइज्ड अनियंस भी होते हैं, होते हैं। तो मीठा और नमकीन दोनों होता है। हाँ, होता है। You know, इस्लामाबाद वाला जो बर्गर होता है। देसी बर्गर है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा भाई साहब आ गया मैं। इसे पहला हिंट देती हूँ आपको जी, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज, इंतहा की कॉमन चीज है। कुत्ता। चले हर घर में होती है, एक्चुअली सिर्फ घर नहीं हर जगह होती है, ऑलमोस्ट हर जगह होती है, फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिकल चीज है, बिल्कुल। आप इसको पकड़ सकते हैं आराम से, आप इसको खरीद भी सकते हैं बिल्कुल, इसको खा भी सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, खा नहीं सकते। क्या ये पॉइजनस है? अगर आप खाएंगे जिंदा तो नहीं बचते आप उसके बाद। और हर जगह है, हर जगह, हर जगह कॉमन। अरे ये इसमें बे आता है? ट्राई कर ले। बे लॉक करें। बिजली, बिजली भरी है मेरे अंग अंग। क्या इसमें ये आता है? ये ट्राई कर, ये लॉक करें। ये आता, ये आता है, ये आता है, ये तो है। कमान भट्ट साहब। हाँ भट्ट साहब कह रही हैं। अलिफ आता है इसमें? अलिफ,
नो 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 क्या इसको आप स्मेल करते हैं? स्मेल नहीं करते, देखते हैं। हाँ देख सकते हैं। ओ शीन लॉक करें, शीन। शीशा हो या दिल हो, शीशा शीशा। दो पॉइंट्स आपने लिए, दो पॉइंट्स मैंने लिए, ठीक है। ये आखिरी सडन डेथ है, अगर आपने बूझ लिया आप जीत गई, अगर ना बूझा तो मैं जीत गया, ठीक है। ओके डन स्टार्ट। हमेशा करेंगे हेल्प। ये लफ्ज बड़ा मशहूर हुआ, ये लफ्ज बहुत ही मशहूर हुआ, और इससे पहले आप जैसे जो बर्गर्स थे उनको नहीं पता था, लेकिन मशहूर हो गया, बहुत मशहूर हुआ, काफी मशहूर लफ्ज है ये, ठीक है। बर्गर्स को नहीं पता था, बर्गर्स को नहीं पता था, बर्गर्स को नहीं पता था। अश्विया बड़े बड़े खाने की चीज है, खाने की नहीं चीज है, कोई कॉमन चीज है बहुत, ये कैफियत है। इसकी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है? हो भी सकती है, मुझे लग रहा है पंजाबी हो सकता है, बर्गर्स को अब आने लग गई है। हाय अल्लाह, बस यार डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपको बर्गर कितने कहते हैं फखर महसूस करती है। बर्गर जी, बर्गर्स। अच्छा जी चले पे पे, क्या इसमें पे आता है? लॉक करें। देखा इट्स पंजाबी, पंजाबी। अगर आप वर्ड गेस कर लेंगी तो जीम आता है, जीम आता है नहीं, ये आता है इसमें, ये लॉक करें, ये लॉक करें। एंड पे ये, स्टार्ट पे पे, क्या बना? पप्पी। पप्पी, वाह 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 वाह, ये कैफियत है, कैफियत है, बिल्कुल बिल्कुल। हर एक को ऑलमोस्ट कभी ना कभी फसूड़ी नहीं, अच्छा परौने हो सकता है, सीन आता है, सीन पसूड़ी, पसूड़ी यार, पसूड़ी सीन आता है। पसूड़ी, पसूड़ी। थैंक यू आजी मदरास, इसके साथ ही हरीम जीत चुकी है, हरीम के लिए तालियां। ए बाबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है, लेकिन जाने से पहले ये आपका कैमरा है, आपने बताना है आप पाकिस्तान में या अपनी जिंदगी में आजकल क्या चीज माइंड कर रही हैं। ये तो आप अपना पैगाम देंगी, उससे पहले यहां कमिट करें कि जब आपकी फिल्म आएगी मैंगो जेट, आप और फैसल भाई और अपनी कास्ट को लेके आप हमारे शो में आएंगे प्रमोशन के लिए। ये मेरा वादा है आपसे। आजकल आप क्या माइंड कर रही हैं जी? आजकल मैं क्या माइंड कर रही हूँ, वैसे तो मैंने एक चीज़ सीखी है और मैं आजकल उसको बहुत लोगों से बात करती हूँ इस बारे में, कि एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ख़ासतौर पर पूरी दुनिया में उसकी कमी होती जा रही है, लेकिन जब भी देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है दिल को, और वो है अच्छा इखलाक, बहुत अच्छा इखलाक। सबसे खुल के मुस्कुरा के अच्छे सब्र से बात करेंगे तो बहुत सारे मसले हमारे वैसे ही आसान हो जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक चीज़ जो बड़े मज़े की, हम मुस्कुराते नहीं हैं यार, सिंपल सा मुस्कुराहट नहीं रखते हैं, कोई किसी को देख लेते हैं तो मुस्कुरा के नहीं बात करेंगे, किसी की तारीफ़ करने का दिल चाहेगा तो तारीफ़ नहीं करेंगे ये सोच के कि शायद वो हम कम हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होता, किसी की तारीफ़ करने से आप कम नहीं होते, आप बड़े होते हैं, इखलाक अच्छा रखने से आप बुरे नहीं, आप बहुत बड़े होते हैं दुनिया में। किसी को आखिरी बस बात कहूँगी कि आप अगर दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, और हम मुझे पता है हम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं ये, तो कह के ना लाएं, करके दिखाएं, अपने अखलाक से लोगों को कायल करें, अपनी तरफ बुलाएं। क्या खूबसूरत बात कही है ख्वातीन आज़ाद, इसके साथ ही मुझे हरीम को और माइंड ना करना की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।